भारतीय सिविल एविएशन उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। साल 2017-18 में 18.39 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की, जो कि हर साल 8.32% से बढ़ रहा है। भारत में एविएशन मोटे तौर पर मिलिट्री और सिविल एविएशन में विभाजन किया जाता है। आज हम विमानयान के इतिहास के बारे में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। 1911 को पहली कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट ने इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से यमुना नदी के पार नैनी तक उड़ान भरी और ये दुनिया की पहली एयरमेल सेवा थी। साल 1915 में पहली भारतीय एयरलाइन टाटा सन्स लिमिटेड ने अपनी एयरमेल सेवाएं कराची और मद्रास के बीच शुरू की। 1932 में टाटा एयरलाइंस, जो कि टाटा सन्स लिमिटेड की एक डिवीजन थी, इसने कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे, बल्लारी, मद्रास पर अपनी एयरमेल सेवाएं शुरू की। सन 1940 में वालचंद हीराचंद और तत्कालीन मैसूर सरकार के साथ मिलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL की स्थापना बैंगलोर में की। 1945 में हैदराबाद के निजाम और टाटास के बीच संयुक्त रूप से डेक्कन एयरवेज की स्थापना की, जिनकी पहली उड़ान जुलाई 1946 को भरी गई। 1946 में एयर इंडिया तब अस्तित्व में आया जब टाटा एयरलाइंस ने इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया। 1947 आजादी के समय 9 एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियां चालू थी, बाद में संख्या घटकर 8 रह गई जब ओरिएंट एयरवेज ने अपना बेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। तत्कालीन ऑपरेशनल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, डेक्कन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, भारत एयरवेज और मेस्त्री एयरवेज थी। 8 जून को एयर इंडिया ने बॉम्बे और लंदन के बीच वाया कायरो और जेनेवा एक साप्ताहिक उड़ान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू की। मार्च 1953 में भारतीय संसद ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को पारित किया, जिसमें पूरे एयरलाइन उद्योग की राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद डोमेस्टिक एयरलाइंस जैसी डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर इंडिया और एयर सर्विस ऑफ इंडिया का विलय इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल में कर दिया गया। 1981 में वायुदूत एयरलाइंस, जो कि एक सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइंस कंपनी, ने अपना परिचालन शुरू किया। अप्रैल 1990 में सरकार ने ओपन स्काई नीति को अपनाया और एयर टैक्सी ऑपरेटरों को किसी भी हवाई अड्डे से चार्टर और गैर चार्टर आधार पर और अपने स्वयं की उड़ान कार्यक्रम, यात्री किराया तय करने की अनुमति दी। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस लगभग 37 वर्ष के बाद देश में संचालित होने वाली पहली राष्ट्रीय निजी एयरलाइन थी। 20 सितंबर 1991 में सहारा एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और वही 5 मई 1993 को जेट एयरवेज ने अपनी पहली उड़ान भरी। 1995 तक 42 एयरलाइंस ने भारत में अपनी हवाई सेवा संचालित की। 1 अप्रैल 1995 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को मर्ज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया। 2 अक्टूबर 2000 में सहारा एयरलाइंस को एयर सहारा के रूप में फिर से शुरू किया गया और वहीं 2003 में कम लागत वाली एयरलाइन एयर डेक्कन ने अपनी सेवाएं शुरू की। जून 2004 में लो कॉस्ट कैरियर गो एयर ने भी अपनी सेवाएं शुरू की। दिसंबर 2004 को सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई, जिसमें जो एयरलाइन 5 साल के निरंतर संचालन के साथ 20 विमानों की न्यूनतम बेड़ा हो, उनको अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 2005 में
इंडियन एयरलाइंस का नाम बदलकर इंडियन कर दिया गया और सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को संचालित करने के लिए एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज और एयर सहारा को अनुमति दी। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस, स्पाइसजेट और पैरामाउंट एयरवेज ने अपना ऑपरेशंस शुरू किया और अगस्त 2006 में लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो ने भी अपना ऑपरेशंस शुरू किया। 2007 में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री ने तीन बड़े मर्जर देखे। अगस्त में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय हुआ, तो वही जेट एयरवेज ने 1450 करोड़ में एयर सहारा का अधिग्रहण किया और एयर सहारा का नाम बदलकर जेट लाइट कर दिया गया। किंगफिशर एयरलाइंस ने 550 करोड़ में एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर सिंप्लीफाइड डेक्कन कर दिया गया और उसके बाद 2008 में फिर से इसका नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया गया। 2010 में पैरामाउंट एयरवेज ने भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया और सन 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई और जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान अप्रैल 2019 में भरी गई। जून 2014 में मलेशियन लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू की और वहीं टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन की विस्तारा ने जनवरी 2015 को अपनी सेवाएं शुरू की। दुनिया का एविएशन इंडस्ट्री की तुलना करें तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री संकट में जरूर है, लेकिन भारत में दुनिया की सभी एयरलाइन क्षेत्र में सबसे अधिक यात्री यात्रा करते हैं। भारत में सभी एयरलाइंस कंपनी को जोड़ा जाए तो हवाई जहाज की संख्या 637 है और भारत में कुल 123 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां से कमर्शियल उड़ानें भरी जाती है और 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।